Welcome to online class grade 3. Today is 15 December 2020 and the day is Tuesday. Now we are going to start our Urdu class. Open Kashif Urdu book page number 49. Munnu signal kyu toda? ओके सबसे पहले मैं आप बुलंद खानी हम करेंगे ठीक है रुकैया बुलंद खानी करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस नज़म में क्या है चले रुकैया आप स्टार्ट लें मनु सिग्नल क्यों तोड़ा अब तुम्हारा चालान होगा तुम्हारा अपना नुकसान होगा मनु सिग्नल क्यों तोड़ा लाल है बत्ती रोकने को पीली तैयार रहने को हरी है कहती चलने को मनु सिग्नल क्यों तोड़ा जो तुम चाहो ना हो चक्कर थाने कभी लगे ना चक्कर सिग्नल पर तुम रखो नजर मनु सिग्नल क्यों तोड़ा गुड वेरी गुड अच्छा ये नजम है मनु सिग्नल क्यों तोड़ा इस नजम में क्या बताया गया है इसमें जो है बताया गया है कि अब तुम्हारा चालान होगा कि अगर हम सिग्नल तोड़ेंगे तो हमारा ही चालान होगा हमारा ही नुकसान होगा आपको पता है ना ट्रैफिक के भी रूल्स होते हैं है ना ट्रैफिक के भी रूल्स होते हैं ना उनको फॉलो करना जरूरी होता है हमारा तो इस बताया गया इस नजम में कि अब तुम्हारा और जब ट्रैफिक के रूल्स को हम फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली हमारा चालान होता है हमें पता है जब हम जो है बगैर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो रूल्स और रेगुलेशंस को तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस जो खड़ा हुआ होता है वो हमें फिर एक क्या नाम है स्लिप काट के देते हैं वो एक तरह से चालान ही होता है ठीक है सही है अब तुम्हारा चालान होगा तुम्हारा अपना नुकसान होगा इसमें नुकसान किसका होता है इसमें नुकसान भी हमारा ही होता है क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा और हमें ही फिर उसका जो है क्या नाम है वो भुगतना पड़ता है जो हमारे लिए फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके ठीक है सही है अब तुम्हारा चालान होगा और तुम्हारा अपना नुकसान होगा मुन्नु सिग्नल क्यों तोड़ा लाल है बत्ती रुकने को अच्छा ट्रैफिक सिग्नल्स की तीन लाइट्स होती हैं कितनी लाइट्स होती हैं तीन लाइट्स होती हैं रेड येलो ग्रीन सही है अब जब इसमें बताया गया जब रेड रेड लाइट होती है तो उसका मतलब यह है कि रुक जाओ रेड लाइट का मतलब है रुक जाओ पीली जब येलो लाइट होती है तो इसका मतलब होता है कि हम जो है रेडी हो जाए तैयार रहने को कहते हैं रेडी हो जाए हम हरी है तो हरी क्या कहती है हमें कि हम जो अच्छा इसमें मैं बता रही थी आपको लाल बत्ती है लाल बत्ती जब लाल जब रेड लाइट आती है तो उसका मतलब है रुकने को स्टॉप हो जाए हम ठीक है सही है पीली तैयार रहने को कहते हैं येलो लाइट का मतलब है तैयार रहे रेडी रहे हम लोग और जब हरी लाइट आती है ना ग्रीन लाइट आती है तो इसका मतलब है कि हम चले जाए ठीक है कहते हैं चलने को मुन्नु सिग्नल क्यों तोड़ा जो तुम चाहो ना हो टक्कर अच्छा अब हम अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है कोई ऐसी हादसा पेश आ जाता है जिससे हमें ही नुकसान फेस करना पड़ता है होता है ना इस तरीके से अगर हम ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करें जो तुम चाहो ना हो टक्कर थाने का भी लगे ना चक्कर और फिर क्या होता है जब हम कोई चीज ऐसी कर देते हैं जाहिर सी बात है फिर पुलिस जो वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई होती है वो फिर कोई स्ट्रिक एक्शन लेती है सही है और फिर इस तरह जो है हम अगर फॉलो करेंगे रूल्स और रेगुलेशंस को तो क्या होता है कि हम जो है पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने से बच जाते हैं और हम जो है हमें चाहिए कि हम जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें इस तरीके से जो है क्या नाम है इस नजर में बताया गया है कि हमें जो है ट्रैफिक रूल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को बेटा आप लोग को थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा था लेकिन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस नजम में मुन्नु सिग्नल क्यों तोड़ा में बताया गया है कि हमें ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए अगर हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें ही क्या नाम है ट्रबल फेस करना पड़ता है हमारा ही नुकसान होता है फिर क्या होता है हमारे लिए एक चालान की जो है स्लिप कट जाती है वो हमें फिर जो है उसको भरना उसको हमें पे करना पड़ता है उनको पता है ना आपको हम जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है हमें चालान ही फेस करना पड़ता है ना भरना पड़ता है ठीक है सही है और जो उसकी रेड लाइट येलो लाइट और ग्रीन लाइट होती है हमें उसको देख के हमें ट्रैफिक जो है अपनी जो है हम बाइक पे है हम जिस चीज पे भी है हमें उसको देख के अपना स्टार्ट करना चाहिए रुक जाना चाहिए
हमें उसको फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स को, ये हमारे लिए ही फायदा होता है। अगर हम इसको फायदा नहीं, अगर हम इसको जो है इन चीजों को हम नहीं अगर देखभाल कर नहीं करेंगे तो हमें क्या होता है, हमें ट्रबल को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आपके बुक का पेज नंबर ओपन करें 5015। अच्छा, सिग्नल तोड़ने से क्या नुकसान होता है, बताएगा कोई मुझे इसका आंसर? मुस्कान, रुकैया, वेरी गुड वेरी गुड, लिखे चालान होता है, चालान होता है। सिग्नल तोड़ने से क्या नुकसान होता है? चालान होता है जी जी, बस खाली चालान होता है। लेकिन मैं आपकी हेल्प कराऊं, कुछ लिख लेंगे आप लोग? मैं जवाब में यही लिखना कि चालान सिग्नल तोड़ने से यही नुकसान होता है, नहीं आप चालान कटता है। आप इतने डिटेल में मत जाओ, सिर्फ आप ये लिखो चालान होता है, बस खाली सिग्नल, हमें पता है ना सिग्नल तोड़ने से क्या होता है, चालान होता है, सिंपल बस लिखते हैं आप, चालान होता है। नेक्स्ट, अब ये सवाल का भी आंसर बड़ा इजी है, सिग्नल तोड़ने पर पुलिस वाले क्या सजा देते हैं? जब हम सिग्नल तोड़ते हैं तो हमें वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है तो वो हमें क्या सजा देता है उसकी? फर्ज करे मैं जा रही हूँ कार गाड़ी में और मैंने जो है वो ट्रैफिक लाइट्स जो हो रही होती है उसको मैंने फॉलो नहीं किया और मैं अपना लेती हुई चली गई तेजी से, तो क्या होगा मेरे लिए? चालान होगा। वेरी गुड, अगेन चालान होगा मेरे लिए, यही होगा ना, चालान ही होगा ना सर। ट्रैफिक पुलिस वाला जो है मुझे क्या सजा देगा, यही सजा देगा ना, वो मुझे एक चालान काट के दे देगा। सेम सेम चालान करते हैं जी, चालान करते हैं लिखेंगे हम। ठीक है, सिग्नल तोड़ने पर पुलिस वाले क्या सजा देते हैं? चालान करते हैं। अनस आप लिख रहे हैं बेटे? अनस ओके, जल्दी लिखें, शाबाश, चालान करते हैं। मिस पेज नंबर 5015 मिस हो गया। ओके नेक्स्ट, मलिया आप लिख लो बेटे, फिर हम आगे स्टार्ट करें अपना 5015। मिस क्या लिखूं? अच्छा क्या लिखूं, सिग्नल तोड़ने से क्या नुकसान होता है, सिग्नल तोड़ने से क्या होता है बेटे? सिग्नल तोड़ने से चालान हो जाता है। वेरी गुड, लिखो शाबाश जल्दी से इसको। पूरा लिखो, तोड़ने से चालान हो जाता है। आप लिख लो, पूरा लिख लो आप, या चालान होता है लिख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है, सिग्नल तोड़ने पर पुलिस वाले क्या सजा देते हैं? चालान करते हैं। डन, डन बेटे, ओके नाउ अब हम करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर टू। मुनासिब अल्फाज से जुमले पूरे कीजिए, जान, गाड़ी, जुर्म, हिफाजत। नंबर वन, सिग्नल तोड़ने से हमारी डैश और डैश को नुकसान पहुंचता है। सिग्नल तोड़ने से हमारी किस किस को नुकसान पहुंचता है? जान और गाड़ी को। वेरी गुड, वेरी गुड शायान, जान और गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, शाबाश। लिखें जल्दी बुक में ही सॉल्व करें ये सब एक्सरसाइज। सिग्नल तोड़ने से हमारी जान और गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। शायान आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। नंबर टू, सिग्नल तोड़ने से हमारी डैश और डैश को नुकसान पहुंचता है। जाहिर सी बात है जब हम सिग्नल तोड़ेंगे तो हमारी जान को भी नुकसान पहुंचेगा और साथ में हमारी गाड़ी का भी नुकसान होगा। ठीक है, जान और गाड़ी डैश में आएगा दोनों। ओके डन, द नेक्स्ट, सिग्नल हमारी डैश के लिए लगाए जाते हैं, हमारी हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लिखें लिखें जल्दी।
सिग्नल हमारी डैश के लिए लगाए जाते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं ना, कि हम उनको फॉलो करें। ओके, थर्ड वन, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना बहुत बड़ा डैश है। जुर्म। वेरी गुड मलिया, वेरी गुड। जुर्म, हम ट्रैफिक सिग्नल को जब तोड़ते हैं उसके रूल्स को, तो हमें क्या नाम है, बहुत बड़ा वो कब करना पड़ता है ना, तो इसका मतलब है हमें बहुत बड़ा जुर्म होता है। जी जी जी, लिखे। मिस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल सबकी आवाज आ रही है, मैं आप सबको सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा अब हम फोर वाला करें सवाल, मुतजाद अल्फाज लिखिए। गुड, मुतजाद अल्फाज लिखिए। नंबर वन, चलते क्या होगा? मिस बताएं, मलिया सही बताएं। चलते का रुकते, तोड़ा का जोड़ा, नुकसान का फायदा, सामने का पीछे, सजा का जजा। चलते का लिखे बैठते, चलते का लिखे बैठते, बैठते नेक्स्ट तोड़ा, तोड़ा का क्या मुतजाद होगा? जोड़ा। वेरी गुड, जोड़ा, जोड़ा लिखें जल्दी। बैठते कैसे लिखते हैं? अच्छा मैं आपको बताती हूँ बैठते कैसे लिखते हैं। चलते हैं बैठे हूँ, तोड़ा जोड़ा। नजर आ रहा है? बैठते लिख लिया आपने अनस? यस जी बेटे। ये इसका सवाल क्या है, सिग्नल तोड़ने पर पुलिस वाले क्या सजा देते हैं? क्या देते हैं सजा, सिग्नल जब हम तोड़ते हैं तो पुलिस वाले क्या सजा देते हैं, हमें बताएं। अच्छा ये ले, नजर आ रहा है आपको? ओके नेक्स्ट अप, नुकसान, नुकसान का क्या होगा मुतजाद? फायदा। वेरी गुड, फायदा, फायदा लिखें, फायदा लिखें। फायदा। मिस तोड़ा का क्या होगा? जोड़ा, जोड़ा, जोड़ा। अनस लिख लेंगे, मैं लिख के बताऊं आपको। हाँ अनस, जोड़ा। अनस जी, मैं आपको लिख दूं? मिस लिख कर। ओके अच्छा, ओके ओके। मिस बैठ, चलते बैठते, थोड़ा जोड़ा, नुकसान, नुकसान फायदा, नुकसान का होगा फायदा, फायदा सामने पीछे, मिस नुकसान फायदा जी। जजा सजा, सजा जजा जी। मिस नुकसान का बता दे। नुकसान का होगा बेटा फायदे, फायदा। नजर आ रहे हैं अनस? अनस आपको नजर आ रहा है बेटे? पीछे में कम करें। ऑल ऑफ यू हैव डन? यस यस। अनस आपका हो गया बेटे? अनस ये सजा का क्या है बेटे? सजा का जजा होगा। जीम से अलिफ जजा। नंबर एक, चलते बैठते, तोड़ा जोड़ा, जोड़ा नुकसान फायदा। मिस फिर से पीछे, सामने बंद हो गया था।
देखिए मैं आपने प्ले करी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि मैं बच्चों को आगे ले आई हूँ, आप यहाँ से कर लें ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं तेरा बाल फेंक रही हूँ लेले। Have you done? Yes. Okay, अब आप करें एक्सरसाइज पेज नंबर 51 पे। अनस आपका हो गया बेटे, सुभान हो गया? मिस नीचे का एक रहता है। ओके अच्छा। बता दे क्या बात है? बच्चा है। तीन। मिस ये जो क्वेश्चन है। मिस जी बोले सजा का क्या होगा? सजा सीन से अलिफ सजा, ये रहा सजा। सजा का सजा होगा, नजर आया सजा? जल्दी कंप्लीट करें इसे। नो आप नजर आया मिस? मिस पेज नंबर 51 में जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कितने रंग की बत्तियां हैं? तो इनकी रंग रहेगा ना लाल बत्ती, हरी बत्ती। मिस हुआ है। अब इसके बाद, अब इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप 51 पे। मलिया अपना म्यूट करें, माइक को म्यूट करें। मलिया मलिया प्लीज, आपके घर से बहुत आवाजें आ रही है। अच्छा सामने वाले खाने में ट्रैफिक सिग्नल बनाए, यहाँ आपने ट्रैफिक सिग्नल बनाने मलिहा अपना माइक म्यूट करें। मलिहा अपना माइक म्यूट करें यहाँ पे बेटा, ट्रैफिक सिग्नल बनाना है यहाँ पे आपने, क्या बनाना है आपने? यहाँ पे आपने ट्रैफिक सिग्नल बनाना है बेटे, आपका हुआ है? अच्छा उसके बाद, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे? कितने रंग की बत्तियां हैं? लाल हरा पीला, लाल हरा पीला, आपने बत्तियों के नाम लिखने हैं ठीक है। ये आपका होमवर्क कैसे करें ठीक है? जी उसके बाद नीचे वाले बत्तियों के रंग को उसकी सही लाइन से मिलाएं, आपने बत्तियों को सही रंग की लाइन से मिलाना है जी, सही है ठीक है। अब उर्दू की नर्दबान उर्दू निकालें जल्दी से, पेज नंबर 21 नर्दबान उर्दू निकालें, ये आपका होमवर्क है। सबका डन, सबका डन हो गया? मुन्नू सिग्नल क्यों तोड़ा? टीचर ये कॉपी में काम करना है जो अभी आपने दो क्वेश्चन बताए? नहीं ये कॉपी में नहीं करना, नहीं करना, करना है नहीं, सिर्फ बुक में ही करना है ठीक है। सबका हो गया ठीक है, कोई मसला परेशानी डिस्कस हो गया? ओके बस अब ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। पेज नंबर आप कौन सा पेज नंबर है? अब नर्दबान निकालेंगे हम पेज नंबर 21, ये तो हमारा काशी फुर्द 21। हाँ हाँ सही है ठीक है, नर्दबान निकालें 21 निकाल, नर्दबान पेज नंबर 21 पेज नंबर। ओके अब आप पेज नंबर 21 21। अच्छा आदात और अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर कीजिए, आदात और अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। मेरे पास आपको देखिए उसमें लिखा हुआ है क्या नाम है नंबर में, मेरे पास 6 कलम है और 8 पेंसिलें हैं, अब आपने किस तरह लिखना है 6 पता है आपको? हाँ उर्दू के अश्काल में ना जी, उर्दू में लिख, आप लोग की हेल्प करती हूँ। दोबारा बता सकते हो? पेज नंबर 21 मेरे पास 2 कलम और 8 पेंसिलें हैं।
अच्छा नंबर वन है मेरे पास डैश कलम है और 8 पेंसिलें हैं, तो आपने क्या लिखना है? 6 कैसा वाला आपने बनाना है पता है आपको? आपको ये वाला 6 बनाना है, 6 दो चश्मी है 6, और अब आपने 8 कैसा बनाना है? जी आपने 8 दूसरा वाला लिखा हुआ है अल्फाज में लिखा हुआ है, आपने ये वाला 8 बनाना है। कौन सा वाला 8 बनाना है? ये वाला 8 बनाना है, ठीक है ये वाला। नंबर 2 पे आ जाए, अब उसके बाद नंबर 2 पे आए, दरख्तों के झुंड में डैश आम और 13 कीनू के दरख्त है, तो आप 12 कैसा वाला लिखेंगे? हम 12 लिखेंगे नंबर वाला, 12। मेरे पास 13 हम लिखेंगे अल्फाज वाला, 8 पेंसिल है, दरख्तों के झुंड में 12, जमात में डैश मिस सो जी बोले मिस, जो आपने 12 लिखा है वो लिखना है ना? जी जी मलिया जी बोले 12 और 6 के नीचे 12 लिखा है वो लिखना है ना? ये रे दरख्तों के झुंड में 12। अच्छा इसके बाद अब आ जाए जमात में 16 मेजे और 20 कुर्सियां हैं, 16 हम ये वाला ही लिखेंगे अल्फाज वाला ही। पेज नंबर बेटे पेज नंबर 21 है, अनर्थ बांध का पेज नंबर 21। अच्छा नौकर ने 23 रुपए की दाल और 25 रुपए का आटा खरीदा, नौकर ने 23 हम लिखेंगे कौन सा पेज नंबर बेटा? 21 है नर्दबान का, मिस पेज नंबर 21। मलिया क्यों परेशान हो? हाँ बेटे मलिया नर्दबान का, जी जी नर्दबान का 23। नौकर ने 23 रुपए की दाल और 25 रुपए का आटा खरीदा, जी बेटे टाइम्स आपने कैसे लिखा है? क्या क्या कैसे लिखा है? तेईस कैसे लिखा है? अच्छा सही वाला अल्फाज वाला स्पेलिंग वाला समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जाएंगी ना आप, यहाँ पे इस वाले पेज पे इसमें तेईस लिखा है, हमजा छोटा वाला, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अली ने 25 रुपए के बिस्किट और 27 रुपए के आम खरीदे, अली ने 14 रुपए दाल ये 14 रुपए के बिस्किट और 27 सीन ते अले 27। अब यहाँ पे मैं सीजो तीसरे चौथा वाला है, नौकर ने 33 नौकर ने डैश 33 आएगा ना? 33 क्यों आएगा? 23 होगा ना वो, देखे दो बन गया, दो और तीन क्या बन गया? 23 हो गया ना? हाँ यस मुस्कान क्या हुआ बेटे? हमजा उसके बाद आ जाए, मैंने दावत के लिए 30 समोसे और 32 रोल मंगवाए, मैंने दावत के लिए मैंने दावत के लिए 30 रुपए की 30 समोसे और नौकर ने 23 रुपए की दाल और 25 रुपए का आटा खरीदा, 25 नंबर वाला लिखना है, ये लिखा हुआ है 25 ऊपर, ये
दो और पांच 25 और ये 23 है, ते के ऊपर दो नुक्ते, ये के नीचे दो नुक्ते, ये हमजा है 23। उसके बाद है 14, ये है 27, उसके बाद है ये 30। मैंने दावत के लिए 30 समोसे और 32 बे 32 ते के ऊपर दो नुक्ते, समोसे और 32। अच्छा अब नेक्स्ट, अब आ जाए नंबर 7 के ऊपर। सबने 6 तक कंप्लीट कर लिया? यस यस। अलमारी, अलमारी में 11 शलवारें और 15 कमीजें, 11 हम नंबर वाला लिखेंगे, 11 ये वाला लिखेंगे, 11 शलवारें और 15 पे नून दाल, पे नून हे, 15 शलवारें है। बेटे सबको नजर आ रहा है, समझ आ रहा है? यस यस। आज मैंने 42 और 40 लिखना सीखा, आज मैंने 42 लिखेंगे, 42 मैं जब साइड पे लिखूंगा, 42 उसकी मैथ की कॉपी लेके गया है। आज मैंने 42, ये देखो टीचर ने लिखा है 42। ओके नेक्स्ट, आज मैंने 42 और 46 लिखना सीखा, 42 आपने नंबर वाला लिखना है और फिर 46 आपने ये वाला लिखना है, दोनों सेम ऐसे लिखना है, ठीक है? सड़क पर 42 लिखा ना बेटा मैंने, ये रहा 42, ये रहा 46, लिखे लिख लिया। दरख पर 47 सेब लटके हैं, 47 सीन दरख पर 4 से सही बना नहीं आता शायद, अभी तो छोड़ अभी क्या जो काम हो रहा है वो कर। 47 यस, दरख पर 47 सेब लटक रहे हैं जी, 47 लिखे, 47 लिखे जल्दी से। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28। वेरी गुड, 28। दरख पर 47 सेब लटके हैं, फरवरी के महीने में नहीं आ रही। डन, सबका डन हो गया? देखो भी यस, ऑब्वियसली नीचे का मैच अब मेरा क्या है। अच्छा मैं इसको करवा देती हूँ, आप लोगों को मैचिंग भी आपको करवा देती हूँ, ठीक है? सही है। अच्छा आपको डन हो गया सबका, रिमूव कर दूं बोर्ड? यस ओके यस। अच्छा बेटे अब मेरी बात ध्यान से सुने, हम नीचे वाली एक्सरसाइज करेंगे बे, ठीक है? सही है, हम एक्सरसाइज बे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखे मैचिंग करना है अल्फाज अदाद और तलफ्फुज, इसका जो अल्फाज अदा हो रहा है उसको हम मैच करेंगे, ठीक है? हमने 7 से 7 मैच हुआ हुआ है, ठीक है? उसके बाद आज आप 4 से 4 को मैच करें। 4 कहाँ? 4 को 4 से मैच करना है, 13 को 13 से, शाबाश, 18 को और 18 को 18 से, वेरी गुड। उसके बाद 26 को, 21 है, 21 से मैच करेंगे, 26 को 26 से मैच करेंगे, 33 को, 33 को, ये रहा 35 से, उसके बाद 35 से मैच करेंगे, 38 को, 38 को, ओके। नाउ आई एम लीविंग द मीटिंग। ओके अब मैं नेक्स्ट लिंक के साथ आप लोग एडमिट हुईगा,
हमारा जो पता है ना आपको, नेक्स्ट किसका है क्लास?